हेलो दोस्तों, अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखना चाहते हैं तो देखिए, ये है ब्लैक डाई बिना केमिकल वाली, जो कि आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है और लंबे समय तक बालों को काला बनाए रखने के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी हेलो है। फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि सफेद बालों को आप ना बहुत ही लंबे समय के लिए अपने बालों को काला बना सकते हैं। जी हाँ, सफेद बालों को, और सफेद बालों को आप जाके बाहर सैलून में डाई कराते हैं या फिर पर्सनली घर पे भी डाई करते होंगे या फिर कलर करते होंगे, तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। केमिकल लगाना अवॉइड करिए अपने बालों पे, इन्हें ना प्राकृतिक रंगत से आप इसे कलर करिए, जिस तरह से मैं बताऊंगी। इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिए। बहुत ही अच्छा घरेलू डीआईवाई लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके बाल है ना लंबे भी होंगे, पतले हैं तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से उनमें स्ट्रेंथन आ जाएगी, बाल बहुत मजबूत होंगे और साथ ही साथ जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी। ये पूरा मैंने आपको डेमो करके बताया है किस तरह से बनाना है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इस घरेलू नुस्खे को, जिससे कि आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे आगे से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सफेद बालों को काला बनाने के लिए हमें हमेशा प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों पे काम करना चाहिए। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई में इस पूरी DIY को आप बनाइए, आपके बाल बहुत ही अच्छी तरह से काले ही रहेंगे। एक कप पानी लिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक कप पानी डाल दिया है। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो चुकी थी। अब मैं इसमें जो जो इन्ग्रीडियंट ऐड करने वाली हूँ उसे आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो पानी देख सकते हैं ये है चावल का पानी, और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ इस राइस वाटर को। ठीक है, देखा आपने, ये चावल का पानी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपने बालों को लंबे समय तक काले बनाए रखना चाहती हूँ, मेरे बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इन सारी चीजों का यूज करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हर्बल मेहंदी, जो कि मैं 4 टेबल स्पून ऐड करूंगी इसमें। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 4 बड़े चम्मच मेहंदी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये मेहंदी पूरी इसमें सब कुछ है, इसीलिए मैं ये वाली, और ऑलरेडी इसमें प्रिवेंट करता है अपने ग्रे हेयर्स को। इसमें आंवला, मेथी, सिकाकाई सब कुछ है फ्रेंड्स, तो इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े स्पून से मेहंदी लिया है, और इसमें लम्ब्स ना पड़ जाए इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से चला रही हूँ। थोड़ा ट्राइपॉड आगे करके दिखाती हूँ आपको मैं इसे, आपको अच्छे से ना एकदम धीमी आंच पे चलाते हुए पकाना है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ स्पेशल इंग्रेडिएंट, जो कि है करी लीव्स। करी लीव्स बहुत से लोगों को नहीं मिलता है, जैसे तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। करी लीव्स के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, हमारे बाल है ना उससे लंबे होते हैं, मजबूत भी रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे करी लीव्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत से मुझे कॉमेंट्स आते थे कि करी लीव्स दीदी हमें नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ पे करी लीव्स नहीं होते फ्रेश वाली। अगर आप नहीं ले सकते तो ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकती हैं। देखिए, ऑनलाइन भी अच्छे तरह से आपको करी लीव्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा टेबलस्पून पूरा भर के यहाँ पे करी लीव्स ऐड करने वाली हूँ, जिससे कि हमारे बालों को ना काला बनाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए, और इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है, एकदम अच्छे से इसे चलाना है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ब्राह्मी और नागर मोथा। तो इन दोनों चीज को आप स्किप मत करना आप फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देंगे आपको, आपके बाल है ना बहुत ही अच्छे से काले बनाने के लिए। साथ ही साथ बालों में डैंड्रफ अगर है तो ये मैंने ब्राह्मी ऐड किया है 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं नागर मोथा ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग। ये दोनों चीजें इतनी अच्छी हैं फ्रेंड्स कि आपके बाल है ना कभी डैंड्रफ नहीं आएंगे बालों में। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, टूट जाते हैं ना जल्दी से, अब देखिए सर्दियों गर्मी का सीजन है, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा रेनी सीजन, तो ये बाल बहुत गिरते है ना, तो इनसे वो प्रिवेंट करेगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा जो है ना इंग्रेडिएंट, अब इसे हम धीरे धीरे स्लो आंच पे अब हम इसे पकाएंगे। ठीक है, अब जब ये पूरा अच्छी तरह से पक जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी, सिर्फ 1/4 होना चाहिए, ये देख सकते हैं, और ये पूरा ब्लैक फॉर्म में टर्न हो जाएगा। ये देखिए, ये नेचुरल ब्लैक कलर, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब देखिए मैं इसे रात भर इसी तरह से ऐसे ढक के छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह ये मैं इसे ओपन किया,
ये इतना अच्छा हमारा हेयर डाई बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ये जो कालापन है ना ये आ चुका है। तो ये देखिए इतना स्मूथ है, इसमें आपको कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इतनी अच्छी तरह से हमारा ये मेहंदी डाई जो है ना बनके रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इसमें दही ज़रूर मिलाइए और आपके बाल उसे ना जैसे नॉरिशमेंट देता है ना दही से, तो इसमें मैं थोड़ा सा दही ज़रूर मिला सकती हूँ। और आप अगर चाहें तो इस तरह से भी आप इसे लगा सकती हैं। हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही, तो आप दही इसमें ज़रूर ऐड कर लीजिए अगर आपको लगे तो, ऐसे भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे दही ऐड करने वाली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच दही डाले हैं इसमें और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। तो फ्रेंड्स ये आपके बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके बाल ना कम उम्र में सफ़ेद हो गए हैं तो फिर आप बाहर की बाज़ार वाली केमिकल परचेस करके अपने बालों पे मत लगाइए। इन सारी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए जिससे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहेंगे, बाल झड़ेंगे भी नहीं, साथ ही साथ बाल काले भी रहेंगे। सो फ्रेंड्स इसमें मैंने दही ऐड किया है, दही की वजह से हमें एक बहुत ही अच्छा नॉरिशमेंट मिल जाता है हमारे बालों को। तो ये देखिए मैं पूरा आपको लगा के लाइव करके बता रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरह से कलर आ जाता है। एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको ना शैम्पू नहीं करना है सेम डे जब आप ये नेचुरल हेयर डाई अपने घर पर बनाते हैं, तो इसका आप शैम्पू मत करिए सेम डे, दूसरे दिन आप शैम्पू कर सकते हैं। और देखिए ये कोम मैं यूज़ करी यहाँ पे अपने बालों को पार्टीशन कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली कोम भी निकल जाता है। दैट मीन्स आपका परफेक्ट हेयर डाई बन के रेडी हो चुका है जो कि आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। कोयले से भी ज़्यादा काला आपका बाल एकदम हो जाएगा। यू नो फ्रेंड्स आपके बाल हेल्दी भी होंगे, नॉरिशमेंट भी मिलेगा। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कॉमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।